हेलो दोस्तों, आप लोग का यस्टरडे में स्वागत है। आज मैं यहां पर आप लोग के लिए क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का टेंशन जो था मेरे भाई वो ख़त्म कर दिया हूं। बस आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई, यहां पर हर चीज़ का टेंशन ख़त्म। आप लोग को कहां से करना है, क्या चीज़ करना है, सब कुछ यहाँ पर। क्लास टेंथ वाले आप लोग बिंदास हो जाओ मेरे भाई, यहाँ पर पूरा पूरा मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग का 30 नंबर प्लस। और अगर देखोगे मेरे भाई जो मैं बताऊंगा वो चीज़ अगर देख लिए मेरे भाई, आप लोगों वीडियो खुद देखो मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो कितना बेनिफिशियल आप लोग के लिए होने वाला है। जस्ट यहाँ पर मैं क्या चीज़ पहले आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 होता है, क्वेश्चन 4 में ए होता है, उससे मैप फिलिंग आता है। मैप एक इंडिया या ब्राज़ील का दिया रहता, उसको भरने के लिए आता है। तो ए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, वो चीज़ बताऊंगा। एंड सेकंड वाला जो दिया गया मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन 4 का बी वाला जो रहता है, ये मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ए भी कौन से लेसन से आएगा वो चीज़ बताऊंगा मेरे भाई। ये दोनों 4-4 मार्क के लिए होते हैं। 8 नंबर यहाँ पर हो गया। एंड यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है, 5वां जोग्राफिकल रीजन कौन कौन सा आएगा मेरे भाई, कौन कौन सा मोस्ट रिपीटेड PYQ से 2019 से लेकर 2024 के बीच में कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन बताऊंगा। एंड उसके बाद ये 6 नंबर के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए आएगा, आप लोग का ग्राफ आएगा। एंड बी आएगा आप लोग का, इसमें एक बी आएगा जो आप लोग को और करके दिया रहेगा, वो क्वेश्चन आप लोग को मत करना मेरे भाई। ए क्वेश्चन ज्योग्राफी यहाँ पर ग्राफ के रिलेटेड 3 नंबर का ग्राफ बनाना रहेगा, 3 नंबर उसी के रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। फटाफट आप लोग को इस वीडियो को देखना और लाइक कर देना और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना बेहतरीन इस वीडियो को मैं बना के लेकर आऊँ आप लोग के लिए। अब कहीं भी टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, फटाफट लाइक कर दो मेरे भाई, अच्छा खासा लाइक होना चाहिए इस वीडियो पर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का टेंशन होता है ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 7 का, जो आप लोगों का 7वां क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ 8 नंबर के लिए आता है 4-4, वो कौन कौन सा आ सकता है सर, वो भी चीज़ देखो। यहाँ पर मैं 28 मार्क लिखा हूँ फिक्स, प्लस आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे तो ईजिली यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 एग्जाम में ला सकते हो, क्योंकि मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ कौन से लेसन से क्या क्वेश्चन आने वाले। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को मेरे भाई फटाफट सब्सक्राइब करो मेरे भाई। और हम लोग 50 के बहुत नियर बाई हैं, आप लोग चाहोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा मेरे, सिर्फ 2000 कम है मेरे भाई। इस वीडियो पर अपना दिखा दो अपना जलवा मेरे भाई। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक क्वेश्चन आंसर विथ आंसर के साथ में लेकर आऊँ। सोचो ना मेरे भाई आप लोग के लिए हम लोग कितना क्या चीज़ कर रहे हैं। याद रखना मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल रीज़न है वो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है दूसरे लेसन से 2021 में सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्राज़ील इज सीन एज एन इम्पोर्टेंस ग्लोबल मार्केट इन फ्यूचर। देखो मेरे भाई इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था दूसरे चैप्टर से। एंड उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई कॉफ़ी पॉट करके। देखो ये वाला जो क्वेश्चन, वाई इज़ ब्राज़ील कॉल्ड कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, इसको अच्छी तरीके से मेरे भाई लर्न कर लेना दूसरे ही चैप्टर का। एंड तीसरे वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है सितंबर में आया हुआ था 2021 में, हिमालयन रिवर आर परिनियल इन नेचर, इस तरीके से दिया गया था। एंड ए वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ मेरे भाई, क्या क्वेश्चन है, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पॉट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके से 2019 में, 2020 में, जुलाई में, 2023। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट लाइक कर दो मेरे भाई। आप लोग के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया कि बार बार जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है वो चीज लेकर आया मेरे भाई, इसको लर्न करना है आप लोग को। ये तीसरे वाले लेसन से है। एंड देखो ये सब है बट ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है,
अब आता है चौथे वाले लेसन से, जो यहाँ पर 2000 नवंबर 2020 में आया हुआ है, जो स्नो फॉल करके डजंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राज़ील, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से, देखो मेरे भाई, नवंबर 2020 में आया और मार्च 2023 में आया, इंडिया रिसीव यहाँ पर प्रेसिपेशन फ्रॉम द नॉर्थन ईस्ट मानसून वाइंड टू, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न करना है मेरे भाई। देख रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और लाइक तो बटन आज रुकना नहीं चाहिए, फटाफट दबना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे भाई, आप लोग के लिए एक आंसर विथ आंसर के साथ, कौन इतना करेगा आप लोग के लिए, सोचो मैं कर रहा हूँ ना, बस इसी तरीके से अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस वन, साइंस टू सबका लेकर आऊँगा, फटाफट बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्रॉपिकल साइक्लोन रियरली इन ब्राज़ील कब आया, जुलाई 2019 में, 2022, 2023 एग्जाम में आया मेरे भाई। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आया 2023 में, देखो द नॉर्थन ईस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, 2023 में आया था मेरे भाई। जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको कर लेना। अब पांचवे लेसन से वेजिटेशन वाला आया मेरे भाई, यहाँ पे देखो एक 2023 में एग्ज़ाम में पूछा, सोचो मेरे भाई आप लोग के लिए ये सब मैं लेकर आया कि आपको कहीं पर भी अब भटकना ना पड़े, आप लोग पूरा पूरा कंप्लीट कर लो मेरे भाई, ए वाला क्वेश्चन करना। एंड यहाँ पर एक 2019 में क्वेश्चन, देखो 5 साल को अब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा, द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील इन कवरेड, देखो मेरे भाई कवरेड बाय द डेंसेस फॉरेस्ट, 2019 में आया मेरे भाई, इसको भी जुलाई के एग्ज़ाम में लर्न कर लेना। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया, बहुत सारे बच्चे हैं कि बुक नहीं में मिल ही नहीं रहा, तो मैं आंसर के साथ में लेकर आया इसीलिए। देखो दोनों क्वेश्चन, रेन यहाँ फॉरेस्ट इन द ब्राज़ील आर कॉल्ड अ लंग ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ पर एवरग्रीन बोला गया है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील आर कॉल्ड लंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, 2000 मार्च 2019, सितंबर 2021, जुलाई 2022 में, सेम टू सेम आंसर है मेरे भाई, इसको लर्न कर लेना, दोनों का आंसर सेम है। और 2022 में आया मार्च में, देखो ये क्वेश्चन है, वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया, कर लेना मेरे भाई। एंड यहाँ पर आ जाओ छठवें लेसन से, एक पॉपुलेशन इज द अन इम्पॉर्टेंस रिसोर्सेस, ए क्वेश्चन सा, अब यहाँ पर आता है मेरे भाई एक क्वेश्चन जो आप लोगों को ईजिली यहाँ पर सातवें लेसन से आता है, 2000 नवंबर 2020 एंड मार्च 2023 में, मजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया, जस्ट इसको आप लोग को यहाँ पर दिया। एंड उसके बाद फिर से मार्च 2019 में एग्जाम में सेटलमेंट आर द स्प्रेड्स इन दिस नॉर्थन ब्राज़ील दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ आठवें लेसन से मेरे भाई, ये ज्योग्राफिकल बस रीज़न बता रहा हूँ, कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा गया मेरे भाई, बार बार रिपीट, आप लोग बोल रहे थे ना कि सर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताओ कहाँ से लेसन से आता है बार बार, तो मैं 5 साल का लेकर आया ना मेरे भाई, 2019 से लेकर आया। देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो लिमिटेशन माइनिंग यहाँ पर इन दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, 2000 यहाँ पर फॉर दिस आंसर रेफर 37 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 को सेट को देखना है, मार्च 2022 में आया था। अब आता है नवें लेसन से, एक क्वेश्चन जो आया था मार्च 2019 जुलाई 2023 में आया था, डेंसन नेटवर्क ऑफ द रेलवे हैज़ द डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया प्लेन, एक क्वेश्चन आया। और यहाँ पर एक अट्रैक्ट जो करने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट मजे दिया टूरिस्ट, सितंबर 2021 में आया। एंड उसके इको टूरिज्म, टूरिज्म इज द बींग डेवलप्ड मोर इन द ब्राज़ील, दो मार्च 2022 में एंड 2023 के एग्ज़ाम में आया। अब आता है मेरे भाई यहाँ पर तो 6 नंबर आप लोग को ईजिली मिल गया, इतना क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर वाइज कर लेना है। अब इसका बोलोगे पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ पर टेलीग्राम पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके रखो, बोर्ड एग्ज़ाम आते आते हम लोग बहुत सारा चीज़ उसमें सेंड करते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना मेरे भाई। यहाँ पर फील्ड विजिट ए है आंसर इन डिटेल वाला आंसर,
हाउ विल यू मैनेज द लिटिल ड्यूरिंग फील्ड विच मार्च 2019 में आए, जुलाई 2023 में आए, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया पहले चैप्टर से। एंड दूसरा क्वेश्चन मार्च नवंबर 2020 में, प्रिपेयर अ क्वेश्चन इज फॉर फील्ड विजिट अ शुगर फैक्ट्री। सोचो मेरे भाई, सब आप लोग के लिए लेकर आया मेरे भाई। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन पहले चैप्टर से, एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इसके लिए 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन एटलीस्ट याद ही रहना चाहिए। वॉट आइटम्स विल यू टेक विथ योर यू फॉर द फील्ड विजिट। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई, क्या 2 जुलाई 2019 में एग्जाम में आया था। और वॉट इज द फील्ड विजिट, वॉट आर द थिंग्स यू कैरी फॉर द फील्ड विजिट, क्या लेके जाओगे, क्या चीज़ है, कैसे करोगे, सब कुछ सितंबर 2021 में पहले चैप्टर से। एंड उसके बाद यहाँ पर आए एक क्वेश्चन जो दूसरे लेसन से आए, ए 4-4 नंबर के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो आंसर इन डिटेल वाला क्वेश्चन नंबर 7 का बता रहा हूँ। राइट इन डिटेल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर किसका दिया है, स्टेटस बताना है इंडिया का। डिस्क्राइब करना है नवंबर 2020 और मार्च 2023 में एग्जाम में आया। अब उसके बाद देखो मेरे भाई, व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, मार्च 2019 में आया। एंड उसके बाद हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर टर्म्स ऑफ लोकेशन, मार्च 2019 में आया मेरे भाई। उसके बाद राइट इन डिटेल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, जुलाई 2023 में आया। सोचो मेरे भाई, जो चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ वो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन जस्ट आप लोग के लिए। अब यहाँ पर तीसरे लेसन से है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा है नॉर्थ इंडिया इंडियन प्लेन 2000, यहाँ पर 22 मार्च में आया हुआ क्वेश्चन। एंड उसके बाद 2000 यहाँ पर जुलाई 2019 में आया था, यहाँ पर व्हाट आर दिस 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, राइट ब्रीफ अबाउट दिस इंडिया आइलैंड। इस तरीके से दिया गया है जुलाई 2019 में एग्जाम में आया हुआ। चौथे लेसन से आया हुआ है, देखो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन, आर द इंडियन ओशियन और द रिस्पेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सितंबर 2021 में एग्जाम में जो हुआ था उसमें आया था। कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, टिक मार्क कर लो मेरे भाई, जुलाई 2019 मार्च 2022 के एग्जाम में आया। आप लोग को ये पूरा ना मेरे भाई 30 प्लस इजली आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स याद कर लिए मेरे भाई, काम खत्म, समझ के लो। अभी तो लास्ट में ऐसा है कि मेरे भाई ब्राज़ील और इंडिया का मैप कौन से लेसन से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी कहाँ से आएगा, ग्राफ कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, सब लेकर आया हूँ। ए 2019 से डिस्कस दिया गया फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट इन ब्राज़ील, और उसके पांचवे लेसन से कौन सा, व्हाट आर दिस मेजर केसेस आर द डिग्रेशन यहाँ पर ऑफ द फॉरेस्ट ब्राज़ील और इंडिया, मार्च 2020 में एग्जाम में आया। सातवें लेसन से अर्बनाइजेशन इन द ब्राज़ील एंड इंडिया, मार्च 2023 एग्जाम में आया मेरे भाई। इसका पीडीएफ चाहिए तो बस आप लोग को कमेंट करना रहेगा और वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और अच्छा खासा मेरे भाई लाइक का बटन दबाना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। अब यहाँ पर आठवें लेसन से, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस इन दिस फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राज़ील एंड इंडिया, दो मार्च 2019 सितंबर 2021 में आया। अब आता है मेरे भाई, इतना क्वेश्चन बार बार आप लोगों को 4 नंबर में एग्जाम में पूछे गए थे। एंड अब उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला ही अटेम्प्ट करना मेरे भाई, मैं पहले जैसे बताएं। अब देखो ऐसा दिया गया है, सिंपल यहाँ पर बार ग्राफ बनाना, कैसे बना देखो, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है। एंड यहाँ पर देखो वो डायग्राम बना दिया गया, 3 नंबर इस पे हो गया, देखो इस पे 3 मार्क है एंड 3 मार्क ए वाले क्वेश्चन के आंसर पे था। अब देखो 2000 यहाँ पर 21 में पूछा गया सिंपल बार ग्राफ, सोचो मेरे भाई सब कुछ लेकर आए आप लोग, देखो। अब उसके बाद यहाँ पर आठवें लेसन से जुलाई 2019 में आया,
कौन सा मल्टीपल लाइन ग्राफ। देखो लाइन कैसे बनेगा, ऐसा लाइन ग्राफ बन, देखिए मेरे भाई। और इसमें क्या है, सिंपल लाइन ग्राफ, सिंपल मतलब, और तीन क्वेश्चन, सिंपल मतलब एक लाइन बस। एंड उसके बाद ये सब है सेल्फ स्टडी के लिए, जस्ट कर सकते हो प्रैक्टिस। अब आता है देखो, ये सब स्टडी के लिए ही मैं बोला कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6-4 का ए है, कौन से लेसन से इंडिया और ब्राज़ील का मैप आएगा मेरे भाई, वो चीज़ सुनना। समझ रहे हो ना मेरे भाई, सब लेकर आया था आप लोग के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है, चैप्टर नंबर 2, 3, 5 और 9 चार चैप्टर दे रहा हूँ मेरे भाई। सबसे ज़्यादा चांसेस कौन से चैप्टर से, 9वें चैप्टर से। दूसरा, तीसरा, पांचवा, नौवा, चार चैप्टर में जो जो मैप दिया, इंडिया का दिया इंडिया कर लो, ब्राज़ील का दिया ब्राज़ील का, 9 चैप्टर था, 4 चैप्टर का बता रहा हूँ मेरे भाई। बस यही चारों चैप्टर में से एक एग्ज़ाम में आएगा। अब उसके बाद ये 4 नंबर का होगा। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर जो 4थे का बी वाला है, जो इंडिया और ब्राज़ील का मैप आता है उसमें से क्या आएगा, जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, दूसरा, तीसरा, पांचवा, नौवा, बट उसमें से भी वेरी 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 आईएमपी जो चैप्टर है, 9वां चैप्टर, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस उसके अंदर से आएंगे, 9वें वाले चैप्टर से। इस तरीके से पूरा पूरा जो था, मैं पूरा आप लोग को यहाँ पर 30 मार्क कंप्लीट किया हूँ मेरे भाई, 30 मार्क कंप्लीट कर दिया हूँ। बस आप लोग को एक ही सपोर्ट और प्यार चाहिए, फटाफट चैनल को मेरे भाई बहुत दूर ऊपर तक लेके जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सब्सक्राइबर देख के वो फॉलो नहीं करते। तो मेरे भाई आप लोग के हाथ में, फटाफट सब्सक्राइब करो। देखता हूँ कि जो मेहनत नहीं कुछ नहीं करता उसके सब्सक्राइबर इतना हाई फाई है, और यहाँ पर आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, बट आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा पा रहे हो मेरे भाई, फटाफट दबा दो मेरे भाई, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तभी आप लोग को इसका पीडीएफ का फ़ायदा मिलेगा आप लोग का। क्लियर देख रहे हो? तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करना रहेगा मेरे भाई।